मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रशांत सरडा और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चनेयर सेशंस की। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमने कल कहां तक देखा था? क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। ठीक है, 4 अलग अलग क्वेश्चंस थे, आज और डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस एमएम अप्रोच पर भी देखेंगे हम लोग आज। तो आज का क्वेश्चनेयर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग अच्छे से ध्यान देकर इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आपके आंसर्स जो है कैलसी पर कंटिन्यूअसली आने चाहिए, और जो भी क्वेश्चन है आपको प्रिंट आउट मिलेंगे बाद में बुक के, उसको आपको देखकर सॉल्व करना है। जो इजी है खैर वो सॉल्व मत करो, जो थोड़े से भी लेवल के लगेंगे उसको सॉल्व करना ही चाहिए आपने। 10-20% ही ईजी रहेंगे, ऐसा ना हो कि आप उल्टा सोचो। ओके, चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व कर लिया है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यू मे फाइंड सम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नो डाउट, बट लॉजिक्स आर सेम। ठीक है, तो डोंट वरी, नथिंग टू वरी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पहले यहां तक पढ़ लेते एक बार। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब क्या, उनका डेट इक्विटी अलग है। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट, 50% इक्विटी, वेयर एज बीटा लिमिटेड हैज ओनली 20% डेट एंड 80% इक्विटी। ठीक है, यहां तक समझा? ऑल परसेंटेजेस आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, बुक वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू में दिया है। द बोरिंग रेट फॉर बोथ द कंपनीज इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड एंड द कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट, मतलब बाइंग सेलिंग वगैरह हो सकता है। इफ यू ओन अ 2% शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, डिटरमाइन योर रिटर्न। रिटर्न निकालना मतलब क्या, डिविडेंड निकालना, डिविडेंड इन रुपीज निकालना। इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 360,000, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी इज केओ इज 18%। तो कंपनी का केओ कितना है, 18% है। सेकेंड पार्ट उसी का बोल रहा है, कैलकुलेट द इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इंप्लाइड रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है और इक्विटी का कितना अमाउंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर फोकस करो। अगर आप 2% होल्ड करते हो तो आपका, आपको क्या निकालना है, रिटर्न। बोलो कैसे निकालेंगे हम अपना रिटर्न, अगर हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी कितना दे रखा है, 360,000 दे रखा है। यश, क्वेश्चनर आपको भी मिलेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चनर आपको भी मिलेंगे। जो जो लोगों ने एडमिशंस लिया उनको सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट 5th सरप्राइज बुक वॉज क्वेश्चनर इटसेल्फ, जो हम लोग ये सब पढ़ेंगे इसका एक पूरा कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आपको मैंने बोला था 5 बुक मिलेंगे आपको, तो 5वां बुक सरप्राइज बुक वॉज नथिंग बट क्वेश्चनर इटसेल्फ। ओके, चलिए स्टार्ट, बताइए अभी क्या करेंगे हम लोग। EBIT से EBIT से V निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT अपॉन क्यों करेंगे, कितना आता है EBIT अपॉन क्यों करेंगे, कितना, 20 लाख। ये क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, फिर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी प्रपोर्शन ऑफ डेट में उसको डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, तो आप सबसे पहले बोल रहे हो कि EBIT और KO यूज करो, 360 डिवाइडेड बाय 18% करो, सब लोग करो कैलकुलेटर पे, तो कितना आएगा, 20 लाख। 20 लाख इज ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें से मार्केट वैल्यू डिवाइड कर लो 50-50, तो 10 लाख आ गया इक्विटी, 10 लाख आ गया डेट। वेरी गुड, चलो यहां तक करेक्ट है। आगे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 10 लाख पर 8%, कितना आता है, 80,000 का इंटरेस्ट। किस में से लेस करोगे, 360,000 में से, कितना आ गया इंटरेस्ट लेस करने के बाद, 2,80,000 कहने से अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज देर आर नो टैक्स, तो ईबीटी इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस 2,80,000 का आपको कितना मिलेगा, 2% रिटर्न आ गया आपका। 2,80,000 का 2% कितना आता है, 5,600, ये आपका रिटर्न आ गया।
यहां तक आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ए का फर्स्ट पार्ट। अब ए का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इंप्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न निकालो इक्विटी पर। इंप्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपने इक्विटी का ऑलरेडी वैल्यू निकाल लिया है और इक्विटी का टोटल अर्निंग निकाला है। टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना बोला? 2,80,000 और टोटल वैल्यू कितना है? 10 लाख। सो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख कर दो, इन 200 कर दो, इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न इज 28%। इज इट हार्ड? ये देखो जो जो आप बोल रहे हो ना वही आपका आंसर है। कैन यू सी? इज दिस डिफिकल्ट? आपने बोला आपका ईबीआईटी अपॉन केओ कर दो, तो ईबीआईटी अपॉन केओ करके वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 20 लाख। उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया क्योंकि अल्फा लिमिटेड है, तो 10 लाख आ गया। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी आपका 3,60,000 है, 3,60,000 में से इंटरेस्ट पे किया आपने, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स 280 है, इसमें से आपके पास 2% शेयर है इसलिए आपको मिलेंगे 5,600। ये आपका रिटर्न इन रुपीज आ गया। इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न बोला मतलब आपको परसेंटेज निकालना है, और आपका नहीं बोला है, इक्विटी वालों का बोला है। तो इक्विटी वालों को टोटल अर्निंग कितना अवेलेबल रहेगा? 280, और इक्विटी वालों का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है? 10 लाख। बस 280 डिवाइड बाय 10 लाख इन 200 विल गिव यू इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न विच कम्स टू 28%। एनी डाउट? अब इसी का बी पार्ट देखो। बीटा लिमिटेड हैज द सेम ऑपरेटिंग इनकम मतलब 3,60,000। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है डिटरमाइन द इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न फॉर बीटा लिमिटेड। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने 20 लाख निकाला वही 20 लाख बीटा लिमिटेड के लिए भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनका ईबीआईटी और उनका केओ सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उनका कितना निकला मार्केट वैल्यू? 20 लाख। मगर बीटा लिमिटेड का डेट इक्विटी 20 और 80 है, तो 20 लाख का 80% 16 लाख किसका वैल्यू है? इक्विटी का वैल्यू है, एंड सिर्फ 4 लाख डेट का वैल्यू है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग डेट इक्विटी बराबर बोल रहे हैं हम लोग, 20% डेट 80% इक्विटी। तो फिर 20 लाख का 20% 4 लाख डेट, 20 लाख का 80% 16 लाख का इक्विटी। यहां तक समझा? अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपको सेकंड बी पार्ट में, इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालो इक्विटी का। तो एक काम करो, इसका सेम पिछले जैसे किया वैसे 3,60,000 में से इंटरेस्ट लेस करो, तो इंटरेस्ट कितना आएगा इस बार? 4 लाख पर 8% 32,000 का इंटरेस्ट। 32,000 का इंटरेस्ट किस पे से लेस करोगे आप? 3,60,000 में से लेस करो 3,28,000। ये क्या आ गया? ईबीटी या फिर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, दैट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स अमाउंट वैल्यू 16 लाख इन 200 20.5% इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न आ गया आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चेक कर लो जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है क्या? इज दिस करेक्ट? इसका मतलब कुछ तो अपना लेवल अप हुआ बॉस। ये चीज पहले अपने को इजीली नहीं समझते थे, अभी समझ रहे। अब ये पूछ रहे कि इनका डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है वो समझाओ। तो अगर जरा अच्छे से देखोगे आप तो ऊपर वाली कंपनी का 28% है, नीचे वाली कंपनी का सिर्फ 20.5 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कहां कम है? बीटा लिमिटेड में। बीटा लिमिटेड में कम क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि बीटा लिमिटेड इज लेस लिवर्ड कंपेयर टू अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डेट, बीटा लिमिटेड इज नॉट टेकिंग दैट मच एडवांटेज। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड केस में 20.50 एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यहां पर इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के बाद हमको समझा कि बीटा का इंप्लाइड रेट कम है क्योंकि उसके पास डेट ही कम है और यहां पे फेवरेबल लिवरेज है। तो डेट ज्यादा लिया तो आरओई बढ़ेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला था ना अपने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यस, उसका बेनिफिट अपने को यहां पर बीटा में कम मिल रहा है और अल्फा में ज्यादा मिल रहा है। सो इज दिस डन? आर यू कंफर्टेबल? नाउ लुक एट दिस। व्हेन वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, इनफैक्ट यही क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। लिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा था, हम लिवर्ड से अनलिवर्ड गए थे? नहीं गए थे। अनलिवर्ड से लिवर्ड गए थे हम। मैं देख ही रहा था रिएक्शन आपके। भाई साहब जब आप
एक शेयर्स बेच रहे हो और वहां देख रहे हो कि दूसरी जगह जब हम जा रहे हैं वहां डेट नहीं है, यहां डेट है, तो हम क्या कर रहे थे? जिस कंपनी में डेट है, ध्यान से सुनो, पूरा पिक्चर सुनो, पहले अपन ने क्या किया था, जिस कंपनी के शेयर्स अपन ने बेचे थे वहां डेट था, और जिस कंपनी में अपन जा रहे थे वहां डेट नहीं था, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस कंपनी के शेयर्स बेचे और देखा कि उधर तो डेट नहीं है, तो अपन ने पर्सनली बोरो कर उस कंपनी में गए थे, ये सिनेरियो अपन ने देखा था। अब मुझे बताओ, प्लेन एंड ब्लैंक रहकर, इधर का हेडिंग पढ़ो भी मत, वहां पे जब अपन स्विच कर रहे थे तो अपन कहां से कहां स्विच कर रहे थे? लीवर्ड से अनलीवर्ड स्विच कर रहे थे, करेक्ट। अब यहां का हेडिंग पढ़ो, व्हेन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन अनलीवर्ड फर्म, मतलब यहां पर भी अपने पास लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा है, मतलब होल्डिंग लीवर्ड फर्म में रहेगा, और फिर से कहां स्विच करेंगे? अनलीवर्ड में करेंगे। अब सिनेरियो क्लियर है, गेस वर्क नहीं है, कंसेप्ट है, ओके। अब जरा क्वेश्चन को अच्छे से देखो और एनालाइज करके बताओ आप आंसर निकाल पाओगे क्या, मनी मन सोचो, मैं आपको हाफ मिनट का टाइम दे रहा हूं। देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एम लिमिटेड हैविंग सेम ईबीआईटी 20,000। एम लिमिटेड इज लीवर्ड फर्म हैविंग डेट ऑफ 1 lakh एट 7% इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड इज 10% एंड दैट ऑफ एम लिमिटेड इज 11.5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, ओके, दोनों का केई दिया है आपको। कंप्यूट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन हमने देखा और इसका थोड़ा कनेक्शन मिसिंग है, क्योंकि वहां कुछ और था और यहां कुछ और है। वहां मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा था मगर वहां पर केई नहीं दिया था, यहां पे केई दे रखा है, तो केई का क्या यूज रहेगा यहां पर? वेरी गुड, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, ओके। एनआई निकाल सकते हो, एस दिया है नहीं दिया है, मगर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? केई के थ्रू, एनआई अपॉन केई इज इक्वल टू एस। सर एस निकाल के क्या होगा, हमको समझ जाएगा ना वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह स्विच करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, समझ जाएगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो फिर दो कंपनीज है, एन लिमिटेड है और एम लिमिटेड है, दोनों के केस में आपका आंसर मुझे चाहिए बराबर से, एवरीबडी बोलिए। एन लिमिटेड एम लिमिटेड दोनों के पास ईबीआईटी 20,000 है, क्या आप दोनों का नेट इनकम निकाल सकते हो? लिखो सब लोग, क्या बुक लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एनआई, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। लिखा, जब आप सॉल्व करते रहते हो तब आप रेफरेंस देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन एरा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि क्या सॉल्व कर रहे हो। नाउ ईबीआईटी दोनों जगह लो, पर्टिकुलर्स कॉलम ऑब्वियसली, और एन लिमिटेड पहले लिखो फिर एम लिमिटेड लिखो, इन्होंने भी वैसे सीक्वेंस में दिया है क्या? नहीं, लिखते वक्त तो अजीब लिखा है पूरा उन्होंने, आप आपके हिसाब से लो, कोई बात नहीं, पहले एम ले लो फिर एन ले लो। एम लिमिटेड एन लिमिटेड दोनों का ईबीआईटी कितना लू? 20,000 लेस इंटरेस्ट, बोलो कितना डेट है? 1 lakh एट 7%। कौन सी कंपनी में डेट है? एम में है, पहली वाली कंपनी में, एम, एवरीबडी, ओके। तो 1 lakh पे 7% कम्स टू 7,000, दूसरी कंपनी में 0, तो फिर फर्स्ट कंपनी का 13,000, दूसरी कंपनी का 20,000, ये आ गया एनआई। केई दे रखा है क्या? केई कितना है? एन का पहले दिया, देखो अभी केई, एन का केई कितना है? 10, एम का कितना है? 11.5।
एन का 10 है और एम का 11.5 है, बी केयरफुल। एन एम हुआ है शायद, मुझे भी लगता है एक्चुअली, शायद यहाँ पे टाइपिंग कुछ एरर हुआ है शायद, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में। खैर वैल्यू निकालो, समझ जाएगा। पहले कैलसी पे मुझे बोलो वैल्यू कितनी आ रही है। एम का बोलो, राउंड फिगर नहीं आ रहा है ना। ओके वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट क्रॉस चेक वेदर द वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एम का 11.5 लेना है आपको, एम का 11.5 बराबर लिया ना, वही है ना। यस करेक्ट है। फिर लो अभी इससे एस का वैल्यू कितना है आपका, एन आई अपॉन के ई किया ना, कितना आया, 1,13,043 और दूसरे कंपनी का 2 लैक्स। बिल्कुल सही बोला आपने यश, आपका आंसर भी करेक्ट है। ओके डेट बोलिए, डेट है क्या इधर, यस 1 लाख है इधर, नहीं है इधर का वैल्यू 2,13,043, इधर का वैल्यू 2 लैक्स। ये वैल्यू ऑफ फर्म निकाला अपन ने, वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट एस प्लस डी, करेक्ट। फेयर वर्क में सॉल्व करना है इसको ऑफकोर्स। एक बार ये वैल्यूज आ गई, अब क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे वापस, क्या बोल रहे क्वेश्चन में। यस गाइस, हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन, बोलिए अभी आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे निकलेगा। मेरे पास डेटा रेडी है, दोनों कंपनी के मेरे पास वैल्यू रेडी है, लीवर्ड नहीं, कहां होल्ड कर रहे वो नहीं दिया आपको, मगर आपको अज्यूम करना है ना, ये लीवर्ड कंपनी कौन सी है, ये लीवर्ड कंपनी है और ये अनलीवर्ड कंपनी है। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो लीवर्ड के, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। मैंने बोला था आपको, याद है क्या, जो वैल्यू ज्यादा है वो आप होल्ड कर रहे हो, जिसका वैल्यू कम है उसको आप स्विच कर कर बाय करने वाले हो, याद आया कुछ। तो बोलिए नीचे क्या लिखोगे आप, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम वी होल्ड 10% शेयर्स, लेट अस अज्यूम वी होल्ड 10% शेयर्स इन विच कंपनी, एम लिमिटेड। तो एम लिमिटेड के शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो कितने, 10%। लीवर्ड में आपका होल्डिंग है 10%, बोलो शेयर्स बेचोगे, यस। तो जितना मार्केट वैल्यू है उसका 10% मिलेगा आपको, लिखो नीचे अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स 1,13,043 का 10%,
11,304 एड पर्सनल बोरिंग करोगे, यस, क्योंकि वो लिवर्ड फर्म था, उसके पास डेट था, एड पर्सनल बोरिंग्स 1 लाख का 10% ना, 1 लाख का 10%, क्योंकि आप कितने परसेंट ओनर थे, शेयर होल्डर्स 10% थे आप शेयर होल्डिंग, सो 1 लाख का 10% कम्स टू 10,000, तो आपके पास पूरा पैसा 21,304 आ जाएगा टोटल, माइनस परचेज करो दूसरे कंपनी के शेयर, दूसरे कंपनी में शेयर्स की वैल्यू कितनी है, दूसरे कंपनी में शेयर की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 2 लाख का 10% आपको खरीदना है, लेस परचेज ऑफ शेयर्स 10% इन एन लिमिटेड ना, तो 2 लाख का 10% कम्स टू 20,000, डू यू हैव सरप्लस कैश, देयरफॉर सरप्लस कैश आया क्या? अब पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन बोथ द कंपनीज, नीचे लास्ट स्टेटमेंट बनाओ, पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर टोटल परचेस करना है क्या, यश पूछ रहा है टोटल परचेस करना है क्या, नहीं यश हम सरप्लस कैश मेथड से सॉल्व करेंगे, सरप्लस कैश मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल पूरा परचेस भी कर सकते हैं, आपको दोनों मेथड्स दिखाए थे मैंने, तो यश वही पूछ रहा है, टोटल परचेस नहीं करेंगे यश, सरप्लस कैश मेथड इजी है, एम लिमिटेड एन लिमिटेड डिविडेंड रिसीवेबल, फर्स्ट केस में नेट इनकम कितना था एम का 13,000, उसका 10% 1,300 और एन लिमिटेड का नेट इनकम 20,000, उसका 10% 2,000, बट लेस इंटरेस्ट करना पड़ेगा ऑन पर्सनल बोरिंग, मगर पर्सनल बोरिंग कौन से केस में आएगा, सिर्फ एन में आएगा, यहां पर कुछ नहीं आएगा, एन लिमिटेड में जाने के लिए अपन ने क्या किया, कितना बोरो किया, 10,000, कितने रेट से 7% से, तो 10,000 पे 7% 700 का इंटरेस्ट, तो ये नेट अर्निंग और ये नेट अर्निंग दोनों सेम है, नेट अर्निंग दोनों सेम है, फिर आर्बिट्रेज क्यों होगा, सरप्लस कैश की वजह से होगा, करेक्ट, आई एम श्योर आपको समझा भी, सॉल्व कर पाओगे अच्छे से, 12th क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया ना वो इस तरीके का ही है सेम, ओके, तो आप अच्छे से सॉल्व करोगे उसको, इसको विदाउट देखिए सॉल्व करना है, 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये देखना नहीं है अभी आपको, कर पाओगे क्या, इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूं जस्ट मैं आपको आइडिया देता हूं, ये देखिए आपका आंसर पहले चेक कर लीजिए, 2,13,000, 1,13,000, 2 लाख, सब कुछ सेम है, यस और नो, जो जो हमने डिस्कस किया सब कुछ दिख रहा है क्या आपको इधर, यस, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम अनलिवर्ड से लिवर्ड जाएंगे, मैंने आपको बोला था ना ओरली, अनलिवर्ड से लिवर्ड जाएंगे तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला आपको अनलिवर्ड में डेट नहीं था, मगर जब हम जा रहे हैं जिस कंपनी में वहां डेट है, तो यहां रिस्क नहीं था वहां रिस्क है, किसकी वजह से रिस्क आया, डिबेंचर्स डेट की वजह से, एक काम करो उसी का ओनर बन जाओ, मतलब इंटरेस्ट का ही आपको रिस्क लग रहा है ना, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर
जैसे आप यहां पर इंटरेस्ट पेड ऑन पर्सनल बोरिंग करते थे, वहां पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर होगा आपका। कर पाएंगे हम सॉल्व कर? तो इधर तक हम एंड करते हैं आज का सेशन, और कल हम लोग रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनेयर जो पार्ट आपको दे रखा है ये बहुत यूजफुल है स्कोरिंग के एंगल से। ओके, वी विल बी कवरिंग अप एन नंबर ऑफ वैराइटीज, दो वी मे एंड दिस चैप्टर टुमारो, बट क्वेश्चनेयर विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय।